आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है वाटर बाउंड मैकडम। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर बाउंड मैकडम के बारे में। इसका आविष्कार किया था जॉन मैकडम ने, तो ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है मैकडम के नाम से, ठीक है। मैकडम रोड, वाटर बाउंड मैकडम रोड। तो पहले जब बिटुमेन नहीं था, बिटुमेन का यूज़ नहीं होता था, तो ऐसी सड़कें बनाई जाती थी वाटर बाउंड मैकडम की। इसमें क्या होता था, क्रस्ड स्टोन, ठीक है, क्रस्ड स्टोन को बिछा देते थे, उस पर स्क्रीनिंग और स्टोन डस्ट डालते थे। जैसे ये आपका क्रस्ड स्टोन है, ठीक है, इस पर स्क्रीनिंग डाल दिए हैं, स्टोन डस्ट डाल दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, वाटर पानी का छिड़काव करते थे, फिर उसके बाद रोलिंग करते थे। तो अच्छी इंटरलॉकिंग बन जाती थी, जो क्रस्ड स्टोन रहते थे उनके बीच एकदम अच्छी इंटरलॉकिंग बन जाती थी, और जो स्क्रीनिंग और स्टोन डस्ट इसके ऊपर से डालते थे वो जो वाइड स्पेस रहते थे उनको फिल कर देता था, और वाटर की मदद से वो अच्छा बाउंड बना लेते थे। तो ऐसे बनती थी वाटर बाउंड मैकडम रोड। तो ये आप बुक से पढ़ते होगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, तो इस लेक्चर से आप पूरा समझ जाओगे। तो ऐसे बनाया जाता था वाटर बाउंड मैकडम रोड। और उसके बाद क्या हुआ कि पानी के जगह बिटुमेन का यूज़ किया गया, ठीक है, तो बन गया बिटुमेन बाउंड मैकडम। अब क्या होता था कि पानी के छिड़काव से हम लोग इसकी इंटरलॉकिंग अच्छी करते थे, ठीक है। तो कुछ समय बाद जो इसकी रोड की सरफेस थी वो उखड़ने लगती थी, ठीक है, पानी उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं प्रोवाइड करेगा जितना कि बिटुमेन करेगा। तो बिटुमेन यूज़ करते थे पानी के जगह पे, तो अच्छी बॉन्ड बनी, रोड और ज़्यादा दिन तक चली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, ऐसे ही रोड बनाए। इसके जो बाद में फर्दर डेवलपमेंट हुआ रोड में, तो वाटर बाउंड मैकडम रोड के ऊपर, ठीक है, बिटुमेन प्लस एग्रीगेट की लेयर बिछाई गई, जो प्रेजेंट में आजकल बनती है वो रोड ऐसे ही बनती है वाटर बाउंड मैकडम के ऊपर, ठीक है, बिटुमेन प्लस एग्रीगेट की लेयर बिछाई जाती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट ऐसे ही बनता है। तो ये था आज का लेक्चर, वाटर बाउंड मैकडम रोड। तो ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।